दोस्तों, एल्फी और टेक्नीशियन की जो है वो मॉडिफाई एंड एडिट दोनों तो हो रहा है। आप मॉडिफाई कर सकते हैं और जो पहले से मॉडिफाई कर लिए हैं वो एडिट कर सकते हैं। इसमें अपना आरआरबी भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उसमें जो है बस चार ऑप्शन पहले था, जो आप पांच ऑप्शन आ गए हैं। आप किसी भी आरआरबी के बोर्ड्स को खोल करके, ये नहीं है कि आपने मुजफ्फरपुर भरना है या इलाहाबाद भरना है या सिकंदराबाद भरना है, तो आप उसी खोले किसी भी बोर्ड को खोल करके आप उसको एडिट एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। वन टाइम अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिला है जो पहले से कर लिए हैं, और आरआरबी अगर बदलना चाहते हैं तो आप आरआरबी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बता दें कि आरआरबी चेंज करने के बाद आप जो वो पोस्ट प्रायोरिटी है उसको भी चेंज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, ट्रेड चेंज कर सकते हैं। और एक एडिशनल इसमें दिया गया है कि आप अपने क्वालिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर क्वालिफिकेशन आपका अगर डिप्लोमा है वो आपने नहीं लिखाया है, लगाया है, बीटेक है या कुछ भी है जो आपने नहीं लगाया है, आईटीआई है, जो आप दो ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं और नहीं लगाया है, तो उसको आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर दो आईटीआई कोई किए हुए है तो आपको एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक ही ट्रेड सेलेक्ट करना है, एग्ज़ाम ट्रेड एक सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप अपना ट्रेड अप्लाई कर देते हैं जो जिस ट्रेड के से हैं, उस ट्रेड से उस बोर्ड में जितने भी सीट हैं वो आपको शो करने लगता है। तो वहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है कि कैटेगरी नंबर यानी एएलपी और टेक्नीशियन, सारी पोस्ट आपको शो करेंगे जिसके लिए आप योग्य हैं। उसमें से आप किसको पहले चूज़ करते हैं, किस पोस्ट के लिए, तो एक दो तीन करके आप उसको वहाँ पे करेंगे। जिस तरह की मैं स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे टेली कम्युनिकेशन है, सब स्वाभाविक है, सबसे अच्छी पोस्ट होती है रेलवे में ये टेक्नीशियन में। तो आप, मैंने सबसे पहले एक नंबर पे इसको रखा, उसके बाद ट्रैक एक सौ कैटेगरी नंबर 36 है उसको मैंने रख लिया। उसके बाद क्रमशः मैंने जो है सो टेक्नीशियन चूज करना चाहता हूँ पहले, तो मैंने टेक्नीशियन जितने भी हैं सबको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं जो है सो एएलपी का ऑप्शन दिया, एएलपी कैटेगरी नंबर एक और दो जो है वो एएलपी का है, तो एएलपी मैंने उसके बाद सेलेक्ट किया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और भरने वक्त आप थोड़ा भी ये नहीं कि जल्दी जल्दी में गलती कर लूँ। कोई भी बॉक्स अगर आपका खाली रह गया, आप ध्यान देंगे कि कोई भी बॉक्स अगर आपका खाली रह गया तो उस सीट के लिए इसका मतलब ये होगा कि आपने उस पोस्ट को छोड़ दिया। उसमें अगर 50 सीटें हैं तो उसकी वो आपसे छूट गई, उसमें आपको नहीं हो सकता है। तो ये आप बिल्कुल ही ध्यान रखें कि कोई भी बॉक्स आपसे छूट ना पाए। आप बिल्कुल ही धीरे धीरे भरें फॉर्म से कि आपको जल्दीबाजी में कोई गलती हो जाए। तो आप बिल्कुल ही पोस्ट को अच्छी तरह से पढ़ के, वर्कशॉप हो, सिग्नल है, चाहे टीआरडी है, वर्कशॉप है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो आप पहले मैकेनिकल लेना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल लेने। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना, मैं मैकेनिकल नहीं लूँगा, इलेक्ट्रिकल ही ठीक है, अच्छी है, मैकेनिकल में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप कुछ जो अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक ट्रेड में सिलेबस की बात है, तो इलेक्ट्रीशियन जब आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे पोस्ट, ये प्रायोरिटी के बाद आप अगर ट्रेड सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप उसको अगर 10+2 वाले भी हैं तो वो इलेक्ट्रीशियन चूज कर सकते हैं, इसके लिए वो योग्य हैं। अगर 10+2 उनको अगर हार्ड लग रहा है, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न का जो है वह 11th और 12th से क्वेश्चंस रहेगी, फिजिक्स और मैथ से, तो अगर ऐसा लगे किन्हीं को कि नहीं ये हार्ड है, ये हमसे होने वाला नहीं है, तो आप इलेक्ट्रीशियन ही चूज करें। वहाँ कुल 11 पोस्ट था, मैंने 1 से 11 तक इसमें डाल दिया, और आप देख सकते हैं सबमिट करने के बाद 1 से 1, 2, 3 सीरियल वाइज लास्ट में प्रायोरिटी जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे 1 से 11 तक दिखा रहा है एक ऑर्डर में। तो आप इस तरह हो गए कि एक नंबर में आपका पोस्ट वो सेलेक्ट हुआ, दो नंबर में ये हुआ। उसके बाद आप एडिट और कंफर्म कह रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं एडिट करना है तो फिर से कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद इसको आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपको एग्ज़ाम ट्रेड मांगेगा, तो आप यहाँ से एग्ज़ाम ट्रेड, जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन
ट्रेड सेल से इसको भरा था। तो ये इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फिजिक्स एंड मैथ, वायरमैन, किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। उन लोगों टू डी बेटर इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन ही बेटर होगी, पढ़ने और के लिए पीसीएम मैंने वाले पढ़ने ही के बाद इलेक्ट्रीशियन तुमसे बात चूज कर सकते कर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थोड़ी रहे सिलेबस आसान हो। होती है 10+2 से। तो आपको सीबीएसई का चलिए जो चलो सीबीएसई 10+1 और 10+2 का सिलेबस पीसीएम में जो रहेगा, वो फिजिक्स और मैथ की सिलेबस रहेगी, उससे क्वेश्चन आपको आएगी। इस बात को भी आप जान लें ट्रेड में, हालांकि उसमें 75 में आपको 35% ही लाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद जब सबमिट कर देंगे तो प्रिंट यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, प्रिंट का है और पीडीएफ डाउनलोड, आप अपने मोबाइल से भी भर के आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई परेशानियाँ आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ मार सकते दिए हैं जो कि इस हुआ सो फॉर्म हुआ। को कैसे फिलअप किया जाए, कौन सी ट्रेड आसान होगी, कौन सी पीसीएम लें या इलेक्ट्रीशियन लें। तो अच्छा भैया दोस्तों मिल आप जाएगा कमेंट क्या करके भैया? हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल माई बेस्ट फ्रेंड।